आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपने क्या जेई मेंस के 29 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपने क्या क्या कह रहा है कि 50 10 3 10 इनवर्स 1/2 + 2 cos इनवर्स 1/√5 के बराबर दे रखा है। इसके बाद दे रखा है अपने पास 4 √2 10 1/2 10 इनवर्स 2 √2 के बराबर दे रखा है इज इक्वल टू। अपने क्या इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। 50 10 × 3 10 इनवर्स 1/2 के बराबर और यह गया +2 cos इनवर्स 1/√5 के बराबर। यह अपने का पहला सेगमेंट दे रखा है, यह अपने का ये सेगमेंट। इसके बाद +4 √2 × 10 और यह अपने का 1/2 और 10 inverse 2 √2 के बराबर, ये अपने के पास दे रखा है। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको क्या कीजिए, अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। अपन पहले क्या करते हैं, इतना को सॉल्व करते हैं, इस सेगमेंट को सॉल्व करते हैं, इस सेगमेंट के अलावा अपने के पास पहले क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना ही को सॉल्व करते हैं। इतना को सॉल्व करते हैं, इतना को, फिर बाद में अपने के पास इसको सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो पहले अपने के पास इतना को सॉल्व करते हैं, उसके बाद अपने के पास इस पूरे सेगमेंट को अपने सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इतना को सॉल्व करने के लिए आपने के पास क्या कीजिए, अंदर वाली क्वांटिटी देखिए। अंदर वाली क्वांटिटी क्या दे रखा है, 3 10 inverse 1/2, ये आ गया अपने पास 5 cos inverse 1/5 के बराबर, ठीक है। तो यहां पर अपने क्या कीजिए, सॉरी 2 cos inverse 1/√5 के बराबर। तो इसको सबसे पहले क्या कीजिए, 10 inverse इधर भी 10 है, तो इसको 10 inverse में बदल सकते हैं। तो चलिए यहां से अपने क्या कीजिए, cos inverse 1/√5, इसको क्या मान लिया, थीटा, ठीक है। लेकिन यहां से थीटा बिलोंग टू अपने कहां से कहां तक होनी चाहिए, तो 0 से लेकर के पाई के बीच में। ये अपने के पास रेंज लिखना है अपने के पास, जैसे ही अपने के पास थीटा माने तो थीटा अपने के पास कहां से लेकर के कहां तक वैरी करेगा, इसके बारे में अपने के पास कमेंट जरूर करना है। तो यहां से अपने के पास 10 थीटा इसके बराबर हो गया। यहां से एक राइट ट्राइंगल बना लीजिए, ये अपने के पास क्या गया, एक राइट ट्राइंगल हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ये 90 डिग्री हो गया, ये अपने के पास थीटा के बराबर। तो यहां से कॉस इनवर्स, तो यहां से अपने के पास कॉस थीटा इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, 1/√5 के बराबर। कोई दिक्कत, एक थीटा इधर जाएगा तो कॉस थीटा 1/√ हो गया। तो ये किसके बराबर होते हैं, तो ये आ गया अपने के पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर। तो बेस अपने के पास किस बराबर, 1 के बराबर, हाइपोटेनियस √5 के बराबर। तो ये अपने के पास किस बराबर आते हैं, 5 में से 1 जाएगा तो 4, तो ये आ गया अपने के पास 2 के बराबर। हाँ या ना, इतना तो अगर लिख सकते हैं, इतना अपने के पास लिख सकते हैं। तो ये आ गया अपने के पास किसके बराबर, 2 के बराबर। अब जब ये अपने के पास 2 के बराबर आ गया, तो यहां से अपने के पास क्या कीजिए, 10 inverse, यहां से अपने के पास क्या निकालना है, 10 inverse के फॉर्म में निकाले। तो यहां से 10 थीटा निकाल लीजिए, 10 थीटा अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, तो 10 थीटा अपने के पास आ जाएंगे 2/1 के बराबर, यानी थीटा इक्वल टू आ गया अपने के पास इसके बराबर 10 inverse 2 के बराबर। यहां तक कोई दिक्कत, ये थीटा है, इसको अपने के पास क्या माने, ये थीटा के बराबर। तो यहां से ये जो थीटा आएगा वो अपने के पास 10 inverse 2 के बराबर हो जाएंगे। तो यहां से इसको सॉल्व किया, तो ये आ गया अपने के पास 50 10 × 3 10 inverse 1/2 के बराबर और +2 अपने के पास किस तरह आएगा, 2 cos इनवर्स की जगह अपने ये थीटा मान लिए, तो 2 थीटा की जगह अपने क्या आएगा, 10 inverse 2 के बराबर। हाँ या ना, इतना लिख सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक हमारे साथ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इनको सॉल्व किया तो यह आ गया अपने 50 × 10 या गया 3 10 inverse 2 के बराबर। 3 10 inverse 2 को क्या कीजिए, 2 + 2 10 inverse, यानी तो अपने ये लिख दीजिए 10 inverse 1/2 और +2 × 10 inverse 1/2 के बराबर और +2 × ये अपने पास 2 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, 2 पॉजिटिव नंबर है, तो इसको अपने पास कॉट में डायरेक्ट ले जा सकते हैं। तो कॉट इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं क्या, हाँ इतना तो लिखा जा सकता है, इतना तो आपको आते होंगे लिखने। तो यहां से अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये 100 नहीं है, ये अपने पास 50 है, ये याद रखना है, ठीक है। तो 10 या अपने पास 10 inverse 1/2 के बराबर और +2, ये अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहां से अपने 10 inverse 1/2 के बराबर और +2 cot inverse 1/2 के बराबर। अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, π/2 के बराबर। अगर ये एक सेम होना चाहिए, 10 inverse x और +2 cot inverse x अपने के किसके बराबर जाता है, π/2 के बराबर। तो ये आ गया अपने के π/2 के बराबर। तो यहां से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने 50 10 या अपने के 10 inverse 1/2 और +2 × π/2 के बराबर, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने के किसके बराबर, 50 × 10 × 10 inverse, तो यहां से अपने के इसको इजीली लिख सकते हैं π + 10 inverse 1/2 के बराबर, 10 π + θ, तो अपने के 10 θ के बराबर ही होता है। अगर अपने के 10
पाई प्लस थीटा, तो ये किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर, ठीक है। और ये क्या है, ये तो आपने कहा एक तरह का एंगल ही तो है, तो ये एंगल है, तो आपने कहा टेन पाई प्लस थीटा, आपने कहा टेन थीटा के बराबर, तो ये आपने कहा 50 इंटू टेन इनवर्स 1 बाई टू के बराबर, 50 इंटू टेन इनवर्स 1 बाई टू, यहां से इसको सॉल्व किया तो आपने कहा किस तरह आ जाएगा, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई टू के बराबर, 10 इंटू टेन इनवर्स, यहां से आपने कहा टेन इंटू टेन थीटा, टेन इनवर्स थीटा इक्वल टू किस तरह थीटा के बराबर होते हैं, ठीक है। यहां से अपने पास थीटा कहां से कहां तक होने चाहिए, तो ये जो अंदर वाले थीटा है वो अपने थीटा अपने के पास माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू के बीच होनी चाहिए, तो ये है, तो ये अपने किस तरह आ जाएगा 50, तो ये आ गया अपने 25 के बराबर, तो ये आ गया अपने 25 के बराबर, हाँ या ना, तो इसका जो वैल्यू आ गया अपने किसके बराबर हो गया 25 के बराबर, इस पूरे क्वांटिटी का जो वैल्यू आ गया वो अपने किसके बराबर हो गया 25 के बराबर, तो इसका तो आपने कहा चक्कर खत्म, 25 आ गया। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, तो 4√2 10 इंटू टेन इनवर्स, इनको सॉल्व करने के लिए आपने कहा नीचे यूज कर लेते हैं, अपने कहा क्या दरकार, 4√2 इंटू टेन इनवर्स, 10 इंटू टेन इनवर्स या गया अपने के पास 2√2, ठीक है, और ये आ गया अपने कहा 1/2 के बराबर, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए, यही दे रखा है अपने कहा, ऊपर से देख लीजिए, ये अपने कहा ये दे रखा है 4√2 इंटू टेन इंटू 1/2 टेन इनवर्स 2√2 के बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं चाहिए। अब क्या कीजिए अपने कहा, इस पूरे को क्या कीजिए थीटा मान लीजिए, इस पूरे एंगल टेन के अंदर जितने भी एंगल है ना इसको क्या मान लीजिए थीटा मान लीजिए, जैसे ही थीटा मानेंगे तो यहां से अपने कहा 1/2 इंटू टेन इनवर्स 2√2, ठीक है, 2√2 इक्वल टू इसको क्या मान लीजिए थीटा के बराबर, तो यहां से अपने कहा टेन इनवर्स 2√2 इक्वल टू किस पर आ जाएगा अपने कहा 2θ के बराबर। अब जैसे ये 2θ है तो 2θ बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, थीटा का अपने कहा ये जो टेन इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक होता है, तो 2θ बिलोंग्स टू अपने के पास ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से लेकर के प्लस पाई बाई टू तक, कोई दिक्कत, तो ये आ गया माइनस पाई बाई टू से लेकर के प्लस पाई बाई टू, तो थीटा अपने कहा कहां से कहां तक हो जाएंगे, तो माइनस पाई बाई फोर से लेकर के पाई बाई फोर तक, हाँ या ना, यहां तक कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, तो ये आ गया अपने किसके बराबर टेन इनवर्स टू, ये आ गया अपने टू स्क्वायर रूट ऑफ टू इक्वल टू 2θ के बराबर, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अब इनके पास ये किसके बराबर हो गया, तो ये आ गया अपने फोर स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू टेन थीटा के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन को चाहिए टेन थीटा, क्या चाहिए अपने कहा टेन थीटा, और यहां पर थीटा का रेंज किसके बराबर गया माइनस पाई बाई फोर से लेकर के पाई बाई फोर, तो यहां से टेन थीटा निकालिए, टेन थीटा अपने कहा किसके बराबर जाएंगे, तो यहां से अपने कहा बोथ साइड टेन ले लीजिए, बोथ साइड अगर टेन लेते हैं तो यहां से अपने कहा किसके बराबर जाएगा टेन इंटू टेन इनवर्स 2√2, और यह अपने कहा इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे अपने के पास, तो टेन 2θ के बराबर, हाँ या ना, ये हमने दोनों तरफ टेन लिए, तो 10 इंटू टेन इनवर्स थीटा, 10 थीटा के बराबर, टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू आपने किस तरह आ जाएगा 10 2θ का वैल्यू आपने इन टर्म्स ऑफ थीटा लिख लीजिए, तो 2 tan θ और अपॉन में आपने क्या आता है 1 - tan²θ के बराबर, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 10 2θ का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके बराबर होते हैं, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपने क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 tan θ इक्वल टू आपने किसके साथ आएगा 2√2 माइनस टाइम्स 2√2 tan²θ के बराबर, अरे ये 2 2 2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, तो 2 जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये 2 तो आपने कहा इरेज हो जाएंगे, ऐसे ही पहले आपने कहा ये 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये आपने कहा सारे को इधर भेज दीजिए, तो √2 tan²θ और ये आ गया आपने कहा प्लस टाइम्स 10θ और माइनस टाइम्स √2 इक्वल टू 0 के बराबर, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसका फैक्टर कर लीजिए, इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, तो √2 से 2 से मल्टीप्लाई तो ये आ गया 2 के बराबर, ठीक है, तो 2 × 2 तो ये आ गया हमने क्या √2 tan²θ और ये आ गया प्लस टाइम्स 2 tan θ और माइनस टाइम्स 10θ और माइनस टाइम्स √2 इक्वल टू 0 के बराबर, फैक्टर कर रहे हैं और कुछ नहीं, तो √2 tan θ अपने क्या कॉमन आ जाएंगे, तो ये कॉमन आ जाएंगे, तो ये आपने कहा किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहां से सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया आपने कहा किसके बराबर, तो 10θ इधर बच जाएंगे और ये आ गया माइनस टाइम्स सॉरी प्लस टाइम्स √2 के बराबर, कोई दिक्कत, ये आपने कहा √2 tan θ कॉमन लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ √2 बच जाएंगे, और यहां से माइनस टाइम्स 1 कॉमन ले लीजिए, तो 10θ और ये आ गया आपने कहा माइनस प्लस टाइम्स √2 इक्वल टू 0 के बराबर, फैक्टर कर लीजिए अपने हिसाब से, आप फैक्टर कर लीजिएगा जैसे आपको फैक्टर करना ही आता है, लेकिन बस सही होनी चाहिए, तो 10θ प्लस √2 इक्वल टू आपने किसके बराबर आ जाएंगे,
तो ये आ गया अपने पास रूट टू टेन थीटा माइनस वन के बराबर इक्वल टू जीरो के बराबर। तो यहां से अपने पास टेन थीटा का जो वैल्यू आ जाएंगे वो अपने पास माइनस रूट टू के बराबर, और यहां से टेन थीटा का जो वैल्यू आ जाएंगे वो अपने पास वन बाय रूट टू के बराबर। अब देखिए ये जो टेन थीटा है ये अपने पास माइनस रूट टू अप्रोक्सीमेटली अपने पास किसके बराबर आ गया, तो ये अपने पास अप्रोक्सीमेटली अपने पास माइनस 1.414 के बराबर हो जाएंगे। और ये अपने पास वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू को अपने पास डिवाइड कर लीजिए क्योंकि अपने पास रेंज में भी तो लाना है, तो यहां से अपने पास वन को डिवाइड कर लीजिए किससे, तो 1.414 से, 1.414 से, तो ये आ गया अपने पास अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर 0.70 के बराबर। अब देखिए इस दोनों में से रेंज किसके, तो यहां से अगर माइनस फाइव फोर को अगर डिवाइड करते हैं यहां से अपने पास 3.14 को डिवाइड करते, रिजेक्ट करना है ना, तो अपने पास 4, तो ये आ गया अपने पास अप्रोक्सीमेटली ये दे रखा अपने पास माइनस 0.785 के बराबर दे रखा है, ठीक है, और कॉमा ये अपने के पास आ जाएगा 0.785 के बराबर, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक। तो थीटा अपने पास इसके बराबर नहीं, तो थीटा अपने पास इसके बराबर, देखिए ये माइनस 1.414 आ गया, तो यानी अपने पास ये तो रेंज से ही बाहर चला गया, जब ये रेंज से बाहर आ गया तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। रिजेक्ट क्यों हो गए, टेन थीटा अपने पास माइनस रूट टू हम आपको बता दिए, तो अपने पास सेलेक्ट क्या हो जाएंगे, टेन थीटा इक्वल टू वन बाई रूट टू के बराबर। जब टेन थीटा वन बाय रूट टू के बराबर है अपने को इसका वैल्यू चाहिए, तो यहां से सॉल्व कर लीजिए, तो फोर मल्टीप्लाइड बाय रूट टू या फोर रूट टू डायरेक्ट लिख दीजिए ना, फोर रूट टू और मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा अपने पास वन अपॉन रूट टू आ गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यानी अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, फोर के बराबर, ठीक है। तो ये पूरा वैल्यू अपने पास किसके बराबर आ गया, फोर के बराबर। जब ये पूरा वैल्यू फोर के बराबर आ गया तो यहां से अपने पास क्या आ गया, ये पूरे वैल्यू अपने पास फोर के बराबर हो गए, किसके बराबर, फोर के बराबर। तो 25 + 4 अपने पास किसके बराबर, 29 के बराबर। तो यही अपने पास क्या जाएंगे, करेक्ट आंसर। तो कैसे कैसे हम सॉल्व किए वो आपको काफी अच्छे से दिखा दिए, एक एक स्टेप हम बता दिए, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिएगा। यहां से अपने पास ये रिजेक्ट क्यों हुआ, कौन वाले सेक्शन, ये वाले सेक्शन माइनस 1.414 रिजेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि अपने पास ये निगेटिव दे रखा है, ठीक है। तो ये आ गया माइनस 0.785 से लेकर के ये इसके बीच में अपने पास थीटा आना चाहिए, थीटा अपने पास कहां से कहां तक आ गया, माइनस 1.414 से आ गया, तो अपने पास सेलेक्ट यही वाले होंगे, ठीक है, ये अपने पास रेंज में आ जाएंगे। तो ये अपने पास कौन से क्वेश्चन थे, ये थे अपने पास जेई मेन्स के 29 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है, एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।